बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगाम चिश्त के ख़वातीन हज़रात, आज फिर हाजिर हैं एक अजीम चिश्ती बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े के साथ। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल गनी वली रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शिद हैं और हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल रऊफ़ ख़ान सज्जादा नशीन वली रहमतुल्लाह अलैह के परदादा मुर्शिद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के एक ऐसे अजीम व मर्तबत बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनकी शान में आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मिर्ज़ा जुनेद वक्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत व सआदत 10 मुहर्रमुल हराम सन 1226 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीबन 10 साल की उम्र या उससे भी कम आपकी उम्र थी तो आपने मदरसे में खुद से ही दाखिला ले लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में बचपन से ही बुजुर्गी की निशानियां दिखाई देती थीं। अगर आज के दौर में देखा जाए तो बच्चे मदरसे जाने से बचते हैं और कोई शौक और ज़ौक नहीं होता, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद मदरसे में दाखिला लिया। ये शान औलिया अल्लाह की होती है कि वो इल्म की और अल्लाह की तरफ रग़बत रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी हज़रत ख्वाजा मीर शुजाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे आपने इल्म फ़िका वगैरह और तमाम इल्म दीनिया सीखा। जब आपकी तालीमात मुकम्मल हुई और तभी शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद तशरीफ़ लाए हुए थे, जहां पर बेशुमार लोग मखलूक खुदा सिलसिलाए आलिया में दाखिल हो रहे थे, तभी आपके उस्ताद गिरामी हज़रत मीर शुजाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपको लेकर हज़रत ख्वाजा हाफिज़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि हज़रत इस बच्चे को भी सिलसिले में दाखिल फरमाएं, क्योंकि इस बच्चे के जौहर आप ही से खुलेंगे, आप ही से इसकी नेमतें मिलेंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिले में दाखिल फरमा लिया और आपके उस्ताद हज़रत मीर शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया कि हज़रत हम जिस गोरे नायाब की तलाश में हैदराबाद आए हुए थे वो आपने हमें घर बैठे ही पहुंचा दिया। जब तक हज़रत शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा थे, तब तक शब और रोज़ हज़रत ख्वाजा मिर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में रहा करते थे। यहाँ तक कि जब आप खैराबाद तशरीफ़ ले गए तब भी आपका खैराबाद जाना और आना लगा रहता था। एक रोज़ जब आप अपने पीर मुर्शिद से मिलने के लिए खैराबाद जा रहे थे और पहुँचे तो आपकी पीर मुर्शिद की नज़र आपके जूतों पर पड़ी। आपने फरमाया कि मिर्ज़ा जूते बड़े अच्छे हैं, कहाँ से लिए? आपने फरमाया कि सरकार ये हमारे शहर में बनते हैं। तब आपने फरमाया कि जब अगर आइंदा आना हो तब हमारे लिए भी लेकर आना। यह कहकर आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह जूते पसंद फरमा रहे हैं, तभी उठे और हैदराबाद के लिए रवाना हुए और रास्ते में एक कुआं पड़ता था जहां आपने उस कुएं में अपने जूते डाल दिए और नंगे पैर हैदराबाद तशरीफ़ लाए। अपने मुर्शिद पाक हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए जूते बनवाए और उन्हें अपने सर मुबारक पर रख कर अमामा बांध कर शेर खैराबाद लौटे। आप रहमतुल्लाह अलैह जब पहुँचे तो आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि मिर्ज़ा तुम आए भी और चले भी गए, रुके भी नहीं। आपने फरमाया कि सरकार आपने फरमाया था कि जब आइंदा आओ तो हमारे लिए भी लेकर आना। तब आपने फरमाया कि हमने ये तो नहीं कहा था कि तुम अभी जाओ और लेकर आओ, तुम अभी ले आए। जब आपने अमामा खोला और वो जूते सामने रखे तो आपके पीर और मुर्शिद हज़रत सैयद हज़रत ख्वाजा शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबाद रहमतुल्लाह अलैह ने उन जूतों को बोसा दिया और
फरमाया कि इन्हें वो शाखाने में हिफाजत से रख दो। तबर्रुक के तौर पर वो जूते महफूज कर दिए गए। आपको अपने पीर से बे इंतहा मोहब्बत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह पैदल सफ़र किया करते थे। शेर हैदराबाद से खैराबाद का सफ़र तकरीबन 3 महीने का था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके मुर्शिद ने जब इम्तिहान में डाला तो ये एक आपका इम्तिहान ही था मोहब्बत का, कि इसे मुझसे मोहब्बत है, ये रुकता है या जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी खैराबाद पहुँचे ही थे कि वापस हैदराबाद आए और जूते बनवा कर फिर दोबारा खैराबाद गए। तकरीबन 9 महीने का सफ़र आपने तय किया। ये आपकी अपने पीर और मुर्शिद से मोहब्बत को जाहिर करता है कि आपको किस कदर अपने पीर और मुर्शिद से मोहब्बत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बयान किया जाता है कि आप और आपके पीर और मुर्शिद खाना तनावुल फरमा रहे थे, जिसमें हज़रत सैयद हाफिज़ पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने खाने में से बोटियां निकाल कर हज़रत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह को दे देते थे, आपके प्याले में डाल देते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सरकार, मैं यहाँ बोटियाँ खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुदा तलबी के लिए आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मिर्ज़ा, खुदा बिन मरे नहीं मिलता, खुद मरो तो खुदा मिलेगा, यानी खुदा बग़ैर मरे नहीं मिलता, जब मर जाओगे तो खुदा मिल जाएगा। आपने तभी से इरादा किया कि क्या करना है। आपने सोचा, आपने नियत की कि 3 महीने के रोज़े रखूँगा और इबादत और रियाजत में लगा रहूँगा। आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और वहाँ से बाहर ना निकले, अंदर ही इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि जब आपके पीर और मुर्शिद आपके हुजरे में तशरीफ़ लाते थे, दरवाज़ा बंद पाते थे और लौट जाया करते थे। 8 रोज़ गुजर गए, रफ़ा हाजत महसूस हुई और तशरीफ़ बाहर लाए, पेशाब के ज़रिए 2-3 कतरे खून के जारी हुए और बे इंतहा कमज़ोरी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। खानकाह में शोर बरपा हुआ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब बेहोश हो गए। आपके पीर मुर्शिद को बुलाया गया, आप तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आश का प्याला लाओ, हरी दाल बनवाओ। जब आश का प्याला लाया गया, हरी दाल लाई गई तो आपको पिलाया। आपने फरमाया कि हुजूर, मैंने नियत की है 3 महीने रोज़े की। आपने फरमाया कि कोई मुज़ायक़ा नहीं, हमारा हुक्म है, पी लो। वो पीना था कि तमाम नेमतें आप में मुंतकिल हो रही थी, आपके दिल की दुनिया बदल गई, आपको आपके शेख ने खिलाफत अता की। जो खिलाफत, जो नेमतें हज़रत ख्वाजा शेख कलीमुल्ला जहाना आबादी रहमतुल्लाह अलैह को थीं, वो तमाम नेमतें हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह को अता कर दी। एक मरतबा आपके मीर पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मिर्ज़ा, जिसकी ज़बान चटोरी होती है उसे खुदा नहीं मिलता। वो लज्जतों में और ख्वाहिशात का आसीर हो जाता है। तभी से आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिना मिर्च की दाल और सादी रोटी पर गुजारा किया, यहाँ तक कि पूरी उम्र आपने उसी पे बसर कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की शान ये थी कि जो शख्स आपसे मिलने आता था, आपको पहले ही मालूम होता था कि ये शख्स किस मकसद से मेरे पास आ रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह जो अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा देते थे वो हो जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह को इल्म लदुन्ना हासिल था और फना फिल्लाह की मंजिलों पर आप फाइज थे। हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई जब हज पे तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उनका इंतकाल हो गया, जब हज़रत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, आप गए और उन्हें ज़िंदा कर ले आए। हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़े आज़म और चहीते खलीफ़ा हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 12 जमादुल अव्वल सन 1310 हिजरी को हुई और आपका उर्स मुबारक 11, 12 और 13 जमादुल अव्वल को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाहरी मुल्क के ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं और आपके फैज़ से फैज़याब होते हैं और अकीदत ज़ाहिर करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के 11 खुलफा हुए और बेशुमार मुरीदीन थे, जिनमें 2 खुलफा
मशहूर हैं। एक हजरत उलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आपके कदमों में आराम फरमा है हैदराबाद में, और एक हजरत शाह मोहम्मद सिद्दीकी सौदागर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जो आपके खलीफा आज़म हैं, जिनका जाय मुकाम शहर हैदराबाद में ख्वाजा पहाड़ी दकन, आप वहाँ आराम फरमा। आज की वीडियो में बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर होगा।